आज अपन देखने वाला टाकली जलम गांव, ये जो अकोला से बहुत करीब है, लगभग 2.5 किलोमीटर है। ये देखिए गूगल मैप है, ये गूगल मैप में ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये वाला है रेलवे लाइन है, ये नायगांव है। ये देखिए नायगांव, नायगांव में से आप इधर जा सकते हैं, नायगांव में जा सकते इधर आप। ये देखिए ये रिवर है, यहाँ पे थोड़ा ब्रिज नहीं है इधर से। ये वकापुर है गांव, इधर से आप ऐसा क्रॉस करके इधर गांव में जा सकते हैं। ये वाला टाकली जलम गांव है, यहाँ पे ये सदानंद किराना, वाटर वॉर है, टैंक, ये सब ये गांव के अंदर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनका रिवर नहीं है ब्रिज के ऊपर, उसके बारे में अपन थोड़ी डिस्कशन करेंगे। देखिए देखने वाले हैं कि इनके कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। चलो फिर देखते हैं रिवर पे ब्रिज न होने से इनको क्या क्या तकलीफ होती है लोगों को। ये देखिए एक आदमी अपने बच्चों को पीठ के ऊपर लाद के रिवर क्रॉस करा रहा है, दोनों भी अपनी जान जोखिम में डाल के रिवर क्रॉस कर रहे हैं। ये जो मेरा वीडियो है थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, इसलिए आपको थोड़ा ये थोड़ा स्पीड लगेगा, लेकिन एक्चुअल में इसको बहुत टाइम लगता है रिवर क्रॉस करने के लिए। देखिए दोनों भी अपने जान मुट्ठी में लेके रिवर क्रॉस कर रहे हैं। एक यदि एक हाथे का पैर फिसल जाए तो पानी में गिरने का डर रहता है, इसने भी अच्छी तरह से रिवर क्रॉस कर लिया है। दोनों के चेहरे पे खुशी झलक रही है रिवर क्रॉस करने की। देखिए अभी अपना खुद का सामान इस साइड से उस साइड लेने लेके जाने वाला है। ये सब लोगों को ऐसे करना पड़ता है, रोज इनको ऐसा करना पड़ता है, तभी इनको खाना पीना थोड़ा सा इनका चैन की जिंदगी जी सकते हैं, थोड़ी इनकी जान जोखिम में डाल के ये लोग जीते हैं। देखिए कैसा आदमी जा रहा है, वो तकलीफ उठाते उठाते लोग यहाँ जीते हैं। देखिए दूसरे तीर पे वो आदमी पहुंच गया है, उसका बच्चा उसको देख के बहुत खुश हो गया है। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस वीडियो को देखते ही अपने सारे दोस्तों को रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और आपके जो टाकली गाँव है इसका कोई प्रॉब्लम्स का हल निकल पाए। ये गांव में पहले रोड भी नहीं था, अभी रोड बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए ये आदमी ने भी नदी को अच्छे तरह से क्रॉस कर लिया है, इसके भी चेहरे पे रिवर क्रॉस करने की जो खुशी है, नदी क्रॉस करने की खुशी है झलक रही है। अच्छे तरह से खुश होने के बाद ये आदमी अभी अपने घर जा रहा है। एक आदमी अभी अपनी साइकिल सिर के ऊपर उठा के नदी क्रॉस करना चाहता है, ये तो बहुत ही रिस्की लग रहा है मुझे। यदि पैर फिसल जाए तो ये आदमी गिर सकता है, साइकिल उसके गले में फंस के उसके जानो माल का भी नुकसान हो सकता है, इसलिए देखिए ये लोग कितना खतरा उठाते हैं। पैर फिसलने का इसमें जो नदी के अंदर पत्थर होते हैं बहुत चिकने होते हैं, इसमें से जल्दी से पैर फिसल सकता है, यहाँ पे पानी का फोर्स भी बहुत होता है, इसलिए बहुत ही रिस्की चीज़ है ये। ये देखिए कितना रिस्की है, और इसने अभी पूरे रिवर क्रॉस कर लिए है अभी। ये देखिए सब लोग अपनी जान मुट्ठी में लेके नदी में से क्रॉस करते हैं। देखिए इसके भी चेहरे पे ऊपर जो खुशी है झलक रही है कि मैं अच्छी तरह से इधर आ गया हूँ। अभी यदि शाम को मैं घर जाता हूँ तो और फिर पानी बड़ा होगा तो मुझे जाना नहीं, घर पे जाने नहीं मिलेगा, इसका भी ख्याल इसके दिल में आता है। देखिए खुशी से जा रहा है। अब ये दूसरे लोग अपना सामान उठा के अकोला के साइड से टाकली जलम में जा रहे हैं, ये भी बहुत रिस्क उठा रहे हैं, अपना सामान सर के ऊपर उठा के उधर क्रॉस कर रहा है। उधर देखिए 30 में दो चार लोग आ गए हैं जो इनको उनको भी रिवर क्रॉस करना है, और एक आदमी अपनी रिवर क्रॉस करने के लिए तैयार है। देखिए कैसे क्रॉस कर रहे हैं लोग, ये आदमी को तो
रिकॉर्डिंग देख के खुशी हो रही है कि कुछ तो भी हो रहा है इधर। देखिए जरा ये वीडियो जरा फास्ट है इसलिए आपको थोड़ा फास्ट लगेगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है क्रॉसिंग करने के लिए, इसलिए आप याद रखिए इतने फास्ट कोई रिवर क्रॉस नहीं कर सकता है। सब लोग अपनी जान मुट्ठी में डाल के रिवर क्रॉस कर रहे हैं। देखिए अभी 4-5 लोग जमा हो गए रिवर क्रॉस करने के लिए, राह देख रहे हैं कि पहले 2-3 लोग आएंगे फिर हम जाएंगे ताकि अच्छी तरह से क्रॉस कर सकें। फिर उसका आदमी और आ रहा है अभी, देखिए एक आदमी अपने बच्चे की साइकिल लेके रिवर क्रॉस कर रहा है। इस पानी में अकेला आदमी चल नहीं सकता है, साइकिल लेके कैसे चलना है, ये तो मैं सोच के ही घबरा जाता हूँ। लेकिन इस आदमी की बहुत ही बड़ी कमाल है, कमाल और हिम्मत की इसकी बात करनी पड़ेगी कि वो साइकिल के साथ रिवर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस बाइक पर बुड्ढा आदमी रिवर क्रॉस कर रहा है। बहुत रिस्क के साथ ये सब लोग अपनी जान जोखिम में डाल के इतना बड़ा खतरा उठा रहे हैं। इस खतरे का कोई सोचो और इसका कोई सोल्यूशन जल्दी से निकालो ताकि अपने सभी भाई बहनों को मदद हो सके और इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी सुहानी हो सके। देखिए इसने साइकिल उठा लिया सर के ऊपर, यदि इस आदमी का पैर फिसल जाता है तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। देखिए ये भी एक साइकिल लेके रिवर क्रॉस कर रहा है, साइकिल उठा नहीं सकता इसलिए इसने साइकिल ढकलते हुए लेके जाने की कोशिश कर रहा है। इसको भी पानी खींच रहा है, देखिए कैसे खींच रहा है, एक बार गिर सकता है लेकिन कैसे भी संभालते ये दोनों लोग रिवर क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ही हॉरिबल कंडीशन है ये देख के मेरे सब रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं सोच नहीं सकता कि लोग इतना खतरा कैसे उठा सकते हैं। देखिए इस आदमी ने भी रिवर क्रॉस कर लिए हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए चेहरे पर बहुत खुशी दिख रही है। अभी उस साइड में 2 बच्चे हैं और बाकी लोग रिवर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नाकाम हो रही है। देखिए एक आदमी और आया, ये आदमी फिर से उधर जा रहा है, शायद उसके 2 बच्चे हैं, बच्चों को उठा के लाने वाला है और साइकिल भी उसकी बाकी है और उसके ऊपर कुछ सिलेंडर जैसा कुछ चीज़ दिख रही है साइकिल के ऊपर, वो भी उसको शायद लानी है। देखिए ये पानी थोड़ा कम है, इससे थोड़ा खतरा कम दिख रहा है लेकिन ये पानी बहुत प्रेशर से बहता है, बहुत मुश्किल होती है इससे। देखिए अपने 2 लोग मेरे रिवर क्रॉस कर चुके हैं, शायद जब अच्छा थोड़ा छोटा सा इसके चेहरे पे देखिए कैसी खुशी लग रही है कि मैं इस चढ़ आ गए हो गया आखिर करके। बाकी लोग देख रहे हैं कैसे रिवर क्रॉस कर रहे हैं लोग। देखिए अभी इसने अपने जो कुछ सामान है शायद सिलेंडर है वो उठा के लाया है इसने सर के ऊपर, यदि इसका पैर फिसल जाए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, कस्टमर गिर सकता है, बहके जा सकता है, खुदा में बहके जा सकता है, इसलिए इतना खतरा उठाना बहुत बड़ी बात है। बड़े मुश्किल से लोग जिंदगी जीते हैं। देखिए बच्चा उसको पकड़ के चल रहा है आदमी को ताकि वो फिसले ना, फिर इसमें से एक फिसलता है तो दोनों भी गिर सकते हैं, दोनों भी बहके जा सकते हैं, इसलिए बहुत रिस्की चीज़ है ये। देखिए इस चढ़ आ गया है सिलेंडर, देखिए इसमें 100% सिलेंडर यही है, फिर से जा रहा आदमी अपने दूसरे बच्चों को लाने के लिए और शायद उसकी साइकिल भी छूट गई पीछे, वो भी लाना है। बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश कर रहा है ये,
तो जान लेकिन जोखिम में डाल रहा है और अपने परिवार के हेल्प कर रहा है। मैं इस आदमी को सलाम करता हूँ कि पुलिस लेके जैसे तुझे करता है। देखिए इसने अपनी दूसरी साइकिल लाई है, ये साइकिल उसने अभी ढकलते हुए लाई है, शायद साइकिल बड़ी है इसलिए उठा नहीं सकता। ये साइकिल बहुत खींच रही है पानी में, यदि थोड़ा पानी और ज़्यादा होता है तो ये आदमी साइकिल के साथ बह के जा सकता है। इसलिए इसकी जो रिस्क लेने की हिम्मत है बहुत बड़ी है, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो ये जी नहीं सकते अच्छे से, इसलिए इनको ऐसा करना ही पड़ता है। देखिए बड़ी मुश्किल का सामना करते हुए साइकिल को ये खींच रहा है, साइकिल उसको खींच रही है, पानी उसको खींच रहा है। अपनी हिम्मत दिखाते हुए इसने तो रिवर क्रॉस कर दी है और ये साइड आ गया है। देखिए रिवर क्रॉस करने की खुशी उसके चेहरे के ऊपर झलक रही है, बहुत खुश दिख रहा है। देखिए बहुत खुशी से चल रहा है, लिए लगभग इसने 3-4 बार अपने चक्कर लगाया नदी में। अभी देखिए उधर से एक ट्रैक्टर भी आ रहा है, शायद ट्रैक्टर को भी इधर रिवर क्रॉस करने हैं। देखिए जो ट्रैक्टर इधर से आता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, ट्रैक्टर जैसे बंद गिर जाता है तो उसको निकालना बहुत बड़ी बात होगी। ट्रैक्टर पर बैठे जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, पानी के आगे कोई टिक नहीं सकता है। बाप रे बाप, इतने बड़े पानी में ट्रैक्टर चलाना मतलब बहुत बड़ी बात है, ड्राइवर की हिम्मत को भी दाद देनी पड़ सकती है। मैं सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों की हेल्प करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब लोगों के साथ पहुँच सके। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।